हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोइस सर्च लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके टर्म वन एग्जाम्स फिनिश हो चुके हैं बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड के सभी बच्चों के, तो अब टर्म टू की बात कर लेते हैं। ठीक है, टर्म टू की बात कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, क्या आपका सिलेबस है आपके एग्जाम्स। जैसा कि आपको पता है मार्च अप्रैल में बताया है, अभी तक इस समय का अपडेट है सीबीएसई की तरफ से कि मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम्स होंगे। टर्म टू के सब्जेक्टिव होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव पूरा लिखने का आएगा, 2 घंटे का पेपर, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आज की प्लानिंग स्ट्रेटेजी कि क्या आपको करना है। पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद क्या आपको करना है, कैसे तैयारी करनी है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है टर्म टू का, जो कि आज से स्टार्ट होता है आपका। टर्म टू का आपका मैथ्स का सिलेबस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका 9th चैप्टर है एनसीईआरटी में, जिसको हाइट्स एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है। सर्कल्स, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया, जो आपका जो है 13th चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स 14th चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और एक कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये 11th आपका चैप्टर। ये बस आपके 7 चैप्टर हैं जो आपको टर्म टू में करनी है। सब बच्चों ने नाम देख लिया होगा, एनसीईआरटी में टिक कर सकते हैं आप। टर्म टू में आपको ये वाले एग्जाम्स में तैयार करने हैं चैप्टर्स। अब देखिए बच्चों, होगा क्या, कुछ बच्चों का ये कहना है कि जैसे मैं प्रैक्टिस कराता हूं, या मैंने कल भी मैंने एक सेशन लिया था लाइव सेशन, जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का L1 कराया था, मतलब लेसन 1 कराया था, कल मैं L2 कराऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ऐसे ही मैं जो है लाइव सेशंस में आपको इसकी क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अब कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर इसके पहले कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्या है, कैसे है, वो समझा दीजिए। बेटा वो मैं आपको समझाऊंगा, ऐसा नहीं है, लाइव में वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके पास में सबसे बढ़िया तरीका है कि मैंने देखिए, चाहे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, एपी हो, चाहे आपकी हाइट एंड डिस्टेंस हो, स्टैटिस्टिक्स हो, सर्कल्स हो, पूरी सर्कल्स की थ्योरम्स, सारी की सारी चीजें मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में देखिए। अगर आपको वो प्लेलिस्ट नहीं भी मिल रही है, वैसे प्लेलिस्ट देखना सब जानते हैं, फिर भी आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए इस वीडियो के, मैंने सारी प्लेलिस्ट के जो ये 7 चैप्टर हैं उन प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे रखी है नाम के साथ, तो आप वहां पर जाकर भी क्लिक करके सीधे सीधे वीडियोस को देख सकते हैं आपको, अगर इतना भी नहीं करना है तो। ठीक है, होगा क्या, मैं आपको बताता हूं अब आपको क्या करना है। सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आपको करना है, लिंक दिया है, प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब मैंने सिखा रखे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर डाल रखे हैं। आप उनको मुश्किल से 8 मिनट 10 मिनट 12 15 मिनट, ऐसे ऐसे छोटी छोटी वीडियोज हैं, आप उनको जल्दी 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 पहले देखिए, जब भी आपको टाइम मिले, पढ़ने का मन है आपका तभी, तो आप उनको देख देख के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। और जब मैं आपको लाइव सेशन में क्वेश्चंस करा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो बेटा फिर आपको करने में आसानी होगी, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पहले समझ लिया है मेरी वीडियो से। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको लाइव सेशंस जो दूंगा वो 2 तरीके से, एक तो आपका यूट्यूब पर लाइव सेशन रहेगा, और एक आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, वहां पर मेरा डेली का फिक्स है 8:30 बजे शाम को लाइव पढ़ाता हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है, और उस क्लास को ज्वाइन करने का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्लास होगी L1, ठीक है, वहां पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगा, तो आप उसे भी ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, बाकी यूट्यूब पे लाइव चलेगा जब भी कराऊंगा। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको कैसे करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि सर अभी हम दो सिलेबस स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा, सिलेबस स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने सबकी टोटली सबकी वीडियोस, सबके कॉन्सेप्ट मैंने बना रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप पहले वीडियोस को तो देखिए, आप वीडियोस को देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, थ्योरम समझ में आएगी, तो लाइव सेशन में जब क्वेश्चंस चल रहे होंगे तो प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके पहले ही क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबकी प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए, आप सबसे पहले पूरा का पूरा सिलेबस जल्दी से कवर कीजिए, और देखिए कोशिश करिए 7 चैप्टर है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटा सा है बेचारा कंस्ट्रक्शन तो, है ना, बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, तो कोशिश करिए कि विद इन अ
वन मंथ और वन एंड हाफ, मतलब एक या डेढ़ महीने के अंदर पूरा का पूरा आप अपना सिलेबस कवर कर लीजिए। इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए आपका, डेढ़ महीने से ज्यादा मैं तो कहूंगा एक महीने के अंदर ही कोशिश करिए कि जितने भी कॉन्सेप्ट है। अब आप सोच रहे होंगे सर एक महीने में कैसे कवर होगा, बेटा मैं प्रैक्टिस सेशन से हटके बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, जैसे सर्कल्स की थ्योरम्स हो गई, सर्कल के टेंजेंट्स के कॉन्सेप्ट हो गए, या आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट हो गए, सम ऑफ एन टर्म्स एंथ टर्म जो भी है, तो उन कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की, तो वो तो आप एक महीने के अंदर कर ही सकते हैं, मुझे इतना तो पता है ना। तो आप अगर विद इन अ वन मंथ ये सारी चीजें कवर कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं, तो फिर आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होगी। फिर चाहे आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस करते हो, कोई भी रेफरेंस बुक हो आपकी, या मैं जब लाइव में आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, या अनअकैडमी की क्लास में 8:30 बजे मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, पोल करा रहा हूं, क्विज करा रहा हूं, तो आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। समझ पा रहे हैं आप स्ट्रेटजी कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कवर करना है, सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को कवर करना है जो आप मेरी वीडियोस से कवर कीजिए, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने आपको सब सिखा रखे हैं और वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वन बाय वन पूरी पूरी वीडियो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने प्लेलिस्ट खोली, लाइन से सारी वीडियोस को देखते जाइए, आपके कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेटजी थी कि आपको क्या करना है, आपका सिलेबस मैंने आपको बताई दिया, ये चैप्टर्स आ रहे हैं, स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है, और आगे भी जो भी होगा वो भी मैं आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम कि आपको क्या करना है। प्लानिंग आपकी यही रहनी चाहिए कि विद इन अ वन मंथ हमें पहले ये कवर करना है, फिर क्लासेस में जाकर के प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से सैंपल पेपर से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, मतलब आपकी गलतियां कम होंगी। ठीक है ना, एक्यूरेसी का मतलब आपके आंसर सटीक आएंगे, सही आएंगे, और स्पीड भी आपकी बढ़ेगी। तो बच्चों यही एक छोटी छोटी चीजें हैं, इसे आप स्ट्रेटजी कह लीजिए, प्लानिंग कुछ भी कह लीजिए, तो इस पर आप काम कीजिए, फोकस कीजिए, और बाकी मैं आपके साथ हूं, मैं आपको जो है पूरा का पूरा कंटेंट देता ही हूं और दे भी रहा हूं, और वीडियोस की फॉर्म में तो सब कुछ डाला ही हुआ है, लाइव सेशंस भी दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और अनअकैडमी पर भी आपकी फ्री क्लासेस हैं 8:30 बजे, वो भी कोई चार्जेबल नहीं है, आप लिंक पे जाके ज्वाइन करिए मुझे, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, वहां पे मेरा इन्वाइटिंग कोड भी डाला हुआ है Moisture10, वो लगा करके आप अनलॉक करके बिल्कुल फ्री क्लासेस देखिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में मुझे आपसे यही डिस्कस करना था कि क्या सिलेबस है और हम लोग आगे कैसे क्या करेंगे। मैं आपके लाइव सेशंस जो है वो 5:30 PM पे स्टार्ट करूंगा, शाम को 5:30 बजे आपके YouTube पर लाइव सेशंस रहेंगे, उनको आप ज्वाइन करिए, उसमें प्रैक्टिस करिए। तो यही सारी चीजें बस मुझे आज आपको बतानी थी, और आप अपना टर्म टू का बिल्कुल सिलेबस बिल्कुल फुल स्पीड में आप स्टार्ट कर दीजिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ के, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उससे भी मैं देख लूंगा क्या है कैसे है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीजें दी हैं, चाहे इनकी प्लेलिस्ट की लिंक हो, चाहे अनअकैडमी की क्लास का लिंक हो, चाहे कोई भी चीज हो, इन्वाइटिंग कोड हो, चाहे मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल के लिंक हो, कोई भी चीज हो, मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। और सबसे बड़ी बात, आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर पाए, वो लोग भी पढ़ पाए, और दूसरे बच्चों का भी फायदा हो पाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आप शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आप लोगों के लिए कुछ करूंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।